शर्मिल अहमद, यह प्राइम न्यूज़ इंडिया और संचार टाइम क्राइम न्यूज़ है। आज तारीख 17 फरवरी 2022 है। आइए जानते हैं आज की खबर। आज की खबर कर्नाटका के शहर बेलगावी से, जहां पर सूबे में विजय प्यारा मेडिकल कॉलेज, जहां पर बच्चे ने कुछ एहतजाज किया था कि हिजाब पहनकर जो लड़कियां कॉलेज में दाखिला ले रही थी, मगर उन्हें रोका गया था, जब तक वो हिजाब को नहीं निकालेंगे तब तक उनको अंदर परमिशन नहीं दी जाएगी। इस बात को रोकने के बाद कुछ उनके रिश्तेदारों ने एक एहतजाज किया और कुछ लोगों का कहना है कि वो अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और इस बारे में देखते हुए पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। तो जो 4 या 5 बच्चे थे, मगर अभी इत्तला मिली है, मिलने के बाद फौरन हमने इस इत्तला को पूरे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। 4-4:30 बजे के बीच में पुलिस वालों ने उन 5 बच्चों को रिहा कर दिया है, उनको रिहा कर दिया गया है और वो बच्चे बड़ी खुशी के साथ अपने घरों को पहुँच चुके हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। पुलिस प्रशासन ने बहुत अहम रोल अदा किया और पुलिस प्रशासन ने शांति के लिए जो काम कर रहा है उनकी हमको सराहना करनी चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए। और पुलिस जो है, जहां तक हम समझते हैं, पुलिस पूरे हालात को कंट्रोल किए हुए। अब हिजाब का मसला है, कोर्ट में चला गया है, कोर्ट देखना फैसला कब करेगी। लेकिन बहुत ही अफसोस की बात है, हमें हिंदुस्तान की तरक्की को सोचने के बजाय हम हिजाब के चक्कर में पूरे कर्नाटक स्टेट को और पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे हुए। बड़ी अफसोस की बात है। मैं कैमरामैन मोहम्मद अमीर के साथ, मैं जमील अहमद, जय। तमाम खबरों को प्राइम न्यूज इंडिया को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, लाइक और शेयर करना न भूलिए।